रतनपुर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण की बेतहाशा वृद्धि हुई। उससे अछूता हमारा रतनपुर ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में लगातार संक्रमितों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है काफी चिंताजनक है। इस संक्रमण रोकने के लिए रतनपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जो महामाया चौक से लेकर पुराना बस स्टैंड, हाई स्कूल, बड़ी बाजार, भीम चौक और वापस महामाया चौक तक पैदल मार्च करते हुए जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और नगरपालिका कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया। रतनपुर थाना प्रभारी ललिता मेहर के अलावा मुख्य नगरपालिका अधिकारी मधुलिका सिंह, नायब तहसीलदार पेखन टोंडरे, डॉक्टर अविनाश सिंह आदि इस फ्लैग मार्च में चौक चौराहे, गली मोहल्लों में आमजनों को कोरोना संक्रमण के वर्तमान हालात से और अधिक सतर्क होकर रहे हैं। जब जरूरी हो तब घर से मास्क लगाकर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने ही लाउड स्पीकर से अनाउंस करते हुए पेट्रोलिंग एवं फ्लैग मार्च की। तहसीलदार पेखन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आमजन पुलिस और प्रशासन के साथ करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सहयोग करें। जिन्होंने सड़क पर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस रखने, बार बार हाथ धोने जैसी हिदायतें दी। इसके जो संक्रमण है और उसके प्रसार, आज अभी रतनपुर शहर में 6 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और लगातार इस कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए यहाँ का स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य कर्मी साथी सभी मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय लिए कि शहर में एक बार अवेयरनेस के लिए मार्च किया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे हम लोगों के बीच अपने प्रशासन के जो भी संदेश है उसको लोगों तक पहुंचा सके। लिए है कि चूंकि संक्रमण बढ़ रहा है तो हम जागरूकता को बढ़ा सके। अभी तक हम लोगों ने जो प्रयास कर रहे थे अपने अपने स्तर पे कर रहे थे, आज सारे विभाग, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, हमारे तहसीलदार साहब, स्वास्थ्य विभाग, सभी मिलकर एक साथ लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। इसका यही संदेश है कि हम पहले शायद जब संक्रमण कम था तो लोगों को अपने अपने अलग अलग समझाइश दे रहे थे, पर आज हम और कड़ी कार्यवाही करते हुए स्वयं आगे निकल के आगे आ रहे हैं। इसका यही ही संदेश जाना चाहिए लोगों को कि जैसा कड़ी कार्यवाही, हर विषय पे कड़ी कार्यवाही करने का जो है वो आप लोगों की सोच है वो जरूरी नहीं है। ये जागरूकता ही से हम लोगों को समझा सकते हैं या लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। दुकानदारों से भी कहा गया कि वे भी कोरोना से बचाव के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। नगर पालिका अधिकारी मधुलिका सिंह ने कहा कि बाजार के सामान्य गतिविधि से संक्रमण के और फैलने की आशंका है, लिहाजा सतर्क रहें और घर में ही रहें। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट।